हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हूँ शलता। आज के वीडियो में आपको दो दो वीडियोस एक साथ देखने को मिलेंगे, लाइक एक तो ट्रैवल ब्लॉग और एक 24 आवर्स चैलेंज ब्लॉग। तो अभी आप देख रहे हो रात लग रही है, पर ये रात नहीं है, सुबह के 6:21 बजे हैं। हम लोग तभी निकले हैं और जाते जाते हमें 5 घंटा लग जाता है, इसलिए हमने सुबह सुबह निकले हैं। तो आज का हमारा जो ट्रिप है अलीबाग, जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मुरु जंजीरा फोर्ट, जो कि समुद्र के एकदम बीचों बीच में है। सेकंड हम लोग जाएंगे काशीद बीच और थर्ड हम लोग जाएंगे नगाँव बीच और फोर्थ एंड लास्ट हम लोग जाएंगे अलीबाग बीच। उसके साथ साथ हम आज सारा दिन बाहर खाने वाले हैं और ये वाला चैलेंज मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, मतलब चैलेंज नहीं है, हमें इतना टाइम भी लगेगा। तो मैंने सोचा इस वीडियो में आप लोगों को दोनों एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग बाहर सारा दिन आज खाने वाले हैं, जो भी स्ट्रीट फूड वगैरह है तो वही खाने वाले हैं, उसके साथ साथ पूरा ट्रैवल भी करने वाले हैं। तो हो गया ना, एक के साथ दूसरा एक फ्री, मतलब आप लोगों को भी मैं दिखा रही हूँ एक के बाद एक, दोनों एक साथ चैलेंजिंग वीडियो भी हो जाएगा, ट्रैवल भी हो जाएगा। तो आप लोग भी बोर नहीं होंगे और मैं भी बहुत खुश रहूँगी। तो ये जो हम लोग पुणे की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे आपको पुणे गोवा एक ही जगह पे है और ये अलीबाग भी एक ही जगह पे है, जो भी मैंने रास्ते पे जाते जाते देखा। और रास्ते पे जाते जाते मुझे मतलब जियो का जो ऑफिस है, रिलायंस का ऑफिस है, रिलायंस हॉस्पिटल, ये सारे कुछ देखने को मिले। मतलब बहुत अच्छा लगा यार आँखों के सामने, मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। और जाते जाते इतना प्यारा व्यू है ना, इतना प्यारा व्यू, मैं तो थोड़ी देर सो भी गई थी। और बीचों बीच 4-5 घंटे का जो रास्ता था, मैंने आपको छोटे छोटे क्लिप दिखाए हैं, पर रियली यार बहुत लॉन्ग, जैसे कहते हैं ना लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग ड्राइविंग, तो वहीं पर हम लोग गए थे। और सुबह का नज़ारा था, बहुत ही प्यारा था, थोड़ी थोड़ी ठंड थी और मुंबई में ठंड मैंने आज फील की थी रियली। और थोड़ा सा फॉगी वेदर भी था, रास्ते में एक दो टनल दिखने को मिल रहा था, देखने में भी इतना प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे, सिर्फ मैंने घर में सिर्फ चाय पी थी, नहीं तो नींद नहीं खुल रही थी, सो सॉरी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे, नहा धोकर पूजा वगैरह कर ड्रेसअप होकर निकले थे। थोड़े बहुत सामान इकट्ठे किए थे जो मैंने अगले दिन रात को थोड़ा सा पैकअप करके रख दिया था। नेक्स्ट तो ड्राइवर भैया आ भी गए थे, हम लोग रवाना हो गए थे। बहुत प्यारी मॉर्निंग थी, तो आप लोग एंजॉय करो मॉर्निंग। ये देखिए सुबह का टाइम था, सूरज अभी अभी निकला था और सुबह से थोड़ी ठंड भी लग रही थी, तो बहुत प्यारा एक मौसम भी था, बहुत अच्छा घूमना भी हो रहा था। ब्रेकफास्ट की थी, एक फूड मॉल मिल गया था हमें यहाँ पे, आपको सबवे, साउथ एंड मोर, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स, पिज़्ज़ा हट और भी बहुत सारे ब्रांड थे। तो सुबह सुबह का टाइम था, डोसा इज़ द बेस्ट ऑप्शन सुबह के टाइम, हेल्दी एंड बहुत ही यम्मी डिश। तो डोसा लिया था और कॉफ़ी ली थी, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह कर बहुत ही अच्छा फूड मॉल था, मतलब टॉयलेट वगैरह भी था, बहुत अच्छे से हमने इन्जॉय किया ब्रेकफास्ट और ठंड भी बहुत अच्छे से, कॉफ़ी भी ली। तो उसके बाद हम लोग फिर निकल गए थे, सबसे पहले हम जाएंगे मुरु जंजीरा जो फोर्ट है वहाँ पे, जो कि एकदम समुद्र के बीचों बीच है, बहुत प्यारा नज़ारा है। तो चलिए जाते जाते रास्तों का भी नज़ारा देख लीजिए, क्योंकि जितना हम उस तरफ जा रहे थे मुरु जंजीरा की तरफ, अलीबाग की तरफ, तो उतना ही प्यारे प्यारे व्यू आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि एक्चुअल हम लोग प्रॉपर टाउन में रहते हैं जो कि पवई में है। तो मैंने जहाँ पे देखा चारों तरफ बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स देखे हैं, पर ये जो जगह पे हम लोग गए, इतने प्यारे प्यारे रिसॉर्ट हमें देखने को मिले और पूरा प्रॉपर जो विलेज होता है या फिर प्रॉपर जो हमारा घर जैसा होता है, मतलब घर वगैरह, मैंने बहुत दिनों के बाद घर देखे हैं, नहीं तो मुझे इन दिनों बिल्डिंग से बिल्डिंग नज़र आती थी। तो पहाड़,
और सबसे अच्छी बात मैंने मतलब जो कल्टीवेशन भी देखा, जो दार्जिलिंग में जैसे हमने पढ़ा हुआ है, जैसे पहाड़ों के ऊपर जो स्टेप कल्टीवेशन होता है वो भी मैंने देखा, बहुत इंजॉय किया। इसलिए मैं अकेले ही नहीं इंजॉय करने वाली हूँ, आप लोगों के मैं इसके थोड़े थोड़े जो नज़ारे हैं वो दिखाने की कोशिश मैंने की है। तो ये जो नदी रिवर को लेकर जो हम लोग मतलब जैसा हमारा डेली लाइफ होता है वो, और कल्टीवेशन और छोटे छोटे नर्सरीज रास्ते में देखने को मिले, पहाड़ों की तरफ जाना, वो पहाड़ों में टर्निंग बाई टर्निंग जो राइड, बहुत इन्जॉय किया, सचमुच बहुत इन्जॉय किया। तो चलिए आप लोग भी इन्जॉय कीजिए और फिर मैं मुरुज जंजीरा में आप लोगों से मिलती हूँ। पहुँच ही गए, लगभग 5 घंटे लग गए थे। तो देख के तो मतलब वो 5 घंटे की जो जर्नी थी चलो दूर हो गई। और मैंने इसका वीडियो बहुत ही अच्छे से लिया, वो आप देख रहे हो वही है जो फोर्ट, हम लोग वहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हमने लाइन पे हैं अभी, तो लाइन के बाद हम लोग जब जाएंगे तो नीचे इसी जो बोट आप देख रहे हो, याच हमने छोटे जब बचपन में पढ़ा होगा वाइफ और याच, तो हम आज पहली बार वो इस याच पे चढ़ कर ही उस फोर्ट तक जाएंगे। और वहाँ पे मतलब जाते जाते मुझे बहुत मन था मैं कैमरा करूँ, पर वहाँ पे पूरा सामने पानी एंड पानी था और बहुत अच्छे से मैंने ड्रेस सिलेक्ट किए थे कि मैं ऐसा ही कुछ ड्रेस पहनूँ ताकि पानी अगर लग जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए पानी ही पानी था अंदर जाते ही, तो मैं एंटर करते हुए वो वाला वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर मेरा मोबाइल गया तो गया, सब कुछ चला जाएगा। तो बहुत ही मतलब मुझे मोबाइल से प्यार है, तो ये मैं याच में बैठकर हम लोग थोड़ा सा मैंने वीडियो क्लिप लिया। बहुत ही डर डर लग रहा था क्योंकि मोबाइल सबसे पहले है यार, सबसे अच्छे से ध्यान रखना है। तो इतने अच्छे से प्यारे मतलब क्या बताऊँ, देखिए आप इतने
कितनी अच्छे से कायदे से ये लोग जो याच को चलाते हैं या फिर जो बोट्स को हैंडल कर रहे हैं, ये देखकर सच में मतलब मैं उसका ही एक छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखा रही हूँ और आने के टाइम भी मैंने छोटा एक क्लिप लिया है। अब देखो क्या मतलब क्या बताऊँ, कितने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। आप देखो ये इसको बनाए बाम्बू से उसके बनाया गया है और बोट से इसे चला रहे हैं। जाने के टाइम ऐसा करना होता है पर आने के टाइम सिर्फ वो जो पर्दा होता है पर्दे से ही वो चल रहा था, हवा की मदद से वो चल रहा था। तो जाते जाते हम लोग जब पहुँचे वहाँ पे सामने तो पूरा इतना पुराना है, तो मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी ली है, हमने एक गाइड लिया था तो गाइड हमें जितना इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो भी मैंने कैच किया है, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये इतना पुराना है, सालों से वैसा ही है, ना ही कलर वगैरह कुछ किया हुआ है। 15 सेंचुरी में ये बना था, जितना मैंने जाने के से पहले सर्च किया था मुझे पता चला 15 सेंचुरी में बना था और उतना ही पुराना है। और ये हमारे गाइड भी हैं और बोट्स में भी हमें लेके जा रहे हैं, तो हमें आगे जाकर हमें जानकारी भी देंगे यही। तो हम लोगों ने एक गाइड ले लिया था और यहाँ पे टिकट कर लिया था। टिकट यहाँ पे पर है 25 रुपीज़ है और ये इस बोट का टिकट है जो बड़े लोग हैं उनके लिए 80 और बच्चों के लिए है 40। नेक्स्ट तो पार्किंग लॉट भी है, वॉशरूम वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी एक फैसिलिटीज़ रखी है, सब कुछ सिस्टम के साथ चल रहा था। और यहाँ पे हमें जानकारी मिलेगी, आप भी सुनो और मैं भी इसका जानने की। पहले आइलैंड था, ये आइलैंड की दरगाह मौजूद थी। ये दरगाह इतनी पुरानी है आज तक किसी को पता नहीं। आप लोग क्या बोलकर रहे कि मुरूड जंजीरा जा रहे, ये जो मुरूड है हम लोग का तालुका है, लोगों ने रिपीट करके इसको जंजीरा कर दिया। इसका जो असल नाम है ये जल जजीरा, जल बोले तो मराठी में पानी को कहते हैं और जीरा बोले तो बेट था। ये आइलैंड था, ये 1118 में काम स्टार्ट किया और 1140 में काम खत्म हो गया। इसको बनाने के लिए 22 साल लग गए। ये 22 एकड़ का एरिया है, इसमें 22 बुरुज और 122 तोप है। जैसे दिवाली में दिए लगते थे इस बाबा के लिए 5 दिए लगते थे पीछे साइड में। अपने को हिंदुस्तान की 3 नंबर तोप जाके देखना है। फर्स्ट नंबर पे है बेजापुर की मुलुक मैदान और सेकेंड नंबर पे है दौलताबाद की मेंढा तोप और जंजीरे की है लालबाग। अपने भारत में नहीं मिलता है, इसमें ना दीमक नहीं पकड़ता, वाल भी बोलते ना कि कीड़े नहीं पकड़ते। अभी अपन अपने दरवाजे में भिजा कर लगाते तांबे पीतल में, पहले के देखो पत्थरों में बने। और ये जब छोटे दरवाजे से आते तो राजा के लिए खुलने का और प्रजा इसमें से आती थी, समझे कि नहीं? क्योंकि राजा झुकते नहीं थे किसी के सामने, वो झुकना और ये तालाब का पानी ये मस्जिद है, यहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद पैर धोया जाता है, मतलब भगवान के सामने आदमी गंदा मैला नहीं जाता, समझे कि नहीं? तो यहाँ से हाथ पैर धो के मतलब वजू बना के मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए जाने के। और जब तक यहाँ पर लोग रहते थे ना, नवाबी हुकूमत थी, तो यहाँ पे ना बाजार लगता इस जगह पे। राजा का दरबार बोलते हैं ना सर, तो ये था। तो एक्चुअली 5 माले में बने हुआ, 5 फ्लोर में टूट गया। इसके अंदर जब नाच गाना मीटिंग जब हम लोग का कॉन्फ्रेंस होता था ना, तो वहाँ से ड्रम बजते थे, व्हाइट वाला देख रहे ना आप लोग, वहाँ से बजने के बाद पब्लिक इसके अंदर जमा हो जाती थी। और किले के अंदर राजा लोग भी रहते थे और राजा की प्रजा भी रहती थी। तो राजा लोग के खानदान में कोई मरने का ना, उसको यहाँ पे दफन, ये राजा लोग की कब्र है, मतलब उनके खानदानी लोगों को, जैसा लाल चाचा का लड़का है, मौसी का लड़का है, समझे कि नहीं? उन लोगों की कब्र। और कॉमन लोग को जो है ना वो खुले पे दफनाया जाता है, मतलब आम कब्रस्तान जो होता है ना उसके अंदर, ये रॉयल लोग है और कॉमन। ये सिब्बू की वटा ला लेती ना, वो छोटी मोटी कर परतने उठना है साठ सिक्सटी फीट दे रहा है। ये किला बनाने के लिए जो पत्थर लगे वो इसके अंदर से निकाले, मतलब यहाँ पर जो ना एक पत्थरों का बहुत बड़ा एक आइलैंड, वो आइलैंड को काटे नीचे गए, नीचे जाने के बाद स्प्रिंग लगा पानी,
उन लोग को पानी भी मिला और पत्थर भी मिला। तो अंदर से ना इसको तालाब बनाया उन लोगों ने। तालाब बनाने के बाद यहाँ के राजा लोग भी और राजा की प्रजा भी इसमें का पानी निकाल दो। लेकिन कैसे निकालने के, कोई बकेट डाल के पानी लेगा ना, वैसा लेना किसी को परमिशन नहीं था। अगर पानी लेने का है तो बाजू में देखो छोटा टब बने, एक यहाँ एक वहाँ है, दोनों टब से पानी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन बीच के तालाब से नहीं लेना, क्योंकि ये साइड में ऑफ राउंडिंग में दीवार देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर एक रानी का महल था और ये महल के अंदर 7 कलर की कांच लगा है, 7 कलर की ग्लास की। जब भी सन का रिफ्लेक्शन कांच में पड़ने का, कांचों का रिफ्लेक्शन पानी पे पड़ने का, पानी का कलर रेनबो जैसा दिखेगा। रेनबो होता है इंडियन गेम जैसा नजर आता है, तो पानी पे रेनबो है और पानी खामोश है। सील किया है 93 के बाद। 93 में जो मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था ना, उससे पहले पहले ना हम लोग के समुद्र से स्मगलिंग होता था। समुद्र से होता था, जहाँ से बोट चली ना अपने वहाँ से। तो इसकी वजह से इसको ना गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया, मतलब स्मगलिंग बाहर से चलता है। अगर ये रास्ते के जरिए किले में अगर जब स्मगलिंग हुआ ना, पता भी नहीं चला, पूरा किला सील कर सकता है ना। अच्छा, इसकी वजह से इसको सील किया अंडर वाटर। ये वॉचिंग टावर, मतलब देखने की जगह जो थी ना सिक्योरिटी, वो यहाँ पर रहती थी। ये वॉचिंग टावर जो है ना, ये डे नाइट बने हुआ है। अपन डे नाइट के लिए ग्लासेस लगाते हैं ना अपनी खिड़कियों के अंदर। और नमक ऑलरेडी पानी में रहता है ना, इतना मजबूत है ये चीज। इसके अंदर है ना बरसात का पानी जो गिरता है ना, तो एक बूंद भी लीकेज नहीं होता। इसका थिकनेस है ना, थिकनेस जो स्लैब का, ये 72 इंच का, 72 इंच अपना 6 इंच का होता है, 6 फीट, ये 72 इंच का मोटा स्लैब। দারুণ ভিউ আসছে এখান থেকে। साढ़े 547 तक किला हुआ था, जब अपना हिंदुस्तान आजाद हुआ ना, उसके बाद किला गवर्नमेंट ने लिया, वरना ये किसी ने जीता नहीं। अजिंक्य किला है, समझे कि नहीं? वो अभी भी है बाकी, मतलब पीढ़ी जो भी है। आप लोगों ने देखा मोरूड में आने से पहले एक नवाब पैलेस देखा, चर्च जैसा पैलेस, चर्च जैसा, वो इनका है। यहाँ का सामान उधर ले जाके शिफ्ट करके रखा, लेकिन वो नवाब हिंदुस्तान में ये तोप है ना, 3 नंबर का। पहला मुलुक मैदान तोप बीजापुर के अंदर है,
और दूसरा जो है ना वो मेंढा तो दौलताबाद में मालूम है आप लोगों को, ये देखा है बीजापुर का कौन सा, ये दलाल वांगी जो है ना जंजीरे में 22,000 किलो है। देखो धूप में बिल्कुल गर्म नहीं होता, अभी फिलहाल अपन गर्म हो गए है ना बस। इसको 5 मीटर में बने पंचधार और इसका रेंज जो था ना वो 6 किलोमीटर तक, इसको चलाने के कैसा मालूम है इसके नीचे ना बिल लेते थे बिल, और ये साइड में जो खड्डे खड्डे देख रहे ना इसके जंजीर रहते थे से। थोड़ी सी जानकारी मिली और हम लोगों को भी थोड़ी सी जानकारी मिली, तो कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस में अगर आप जाते हो तो गाइड लेना ज़रूर अच्छा होता है, और इससे क्या होता है उनको भी थोड़ी मदद हो जाती है और हमें भी बहुत कुछ जानना हो जाता है। तो आने के टाइम देखिए मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था, इसकी ही मदद से पूरी हवा की मदद से ये मतलब बोट जा रही थी। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आज का जो पार्ट है मैंने सिर्फ एक ही दिखाया मुरुद जंजीरा, नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आप लोगों को वो 3 बीचेस जरूर दिखाऊंगी। तो आप लोग जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यार बेल आइकन के साथ, ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिल जाए, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना बनता है, लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है और मतलब समुंदर के बीचों बीच इतना प्यारा एक आइलैंड जो कि इतना प्यारा पुराना एक फोर्ट हम सबको देखना चाहिए। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, ताकि और भी प्यारे प्यारे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिले। और इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत प्यारा रिसॉर्ट दिखाने वाली हूँ और उसके साथ साथ और भी 3 बीचेस दिखाने वाली हूँ। 3 बीच 3 टाइप के होते हैं, जितना हो सके हमने एक दिन में पूरे कवर करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक लाइक लाइक।